हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास का एक वेरी वेरी आईएमपी डेरिवेशन जो इंटर क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी से लिया गया है और यह लगभग हर साल के साल पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम है गोश पिरमिड लिखिए, सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो यह लगभग हर साल के साल पूछा जा रहा है। देखिए 10 साल का 20 साल लगातार पूछा गया 5 नंबर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस चित्र को समझिए, ये एक बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ ले लें, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होती है चुंबकीय बल रेखाएँ, जैसे कि चुंबक होती हैं उससे रेखाएँ निकलती हैं, जिनको बोलते हैं चुंबक बल रेखाएं। तो चुंबक बल रेखाएं जो है दूसरी चुंबक को खींचती हैं। तो वैसे यहाँ पर है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसमें उपस्थित आवेश का, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है किसका? आवेश का। ये गोश की पिरमे है। अब देखिए इससे ओ से आर दूर पर क्या पे है? यहाँ पे एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इसका नियम समझ लें। देखें नियम क्या है, नियम देखें इसका गौर से। नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता? फाई ई जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना होता है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फाई बराबर होगा 1/ε0 इंटू में क्यू। एक बार और समझ लें कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता? 1/ε0 गुना होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये है वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश क्या है? क्यू। 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरीके से हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, जो इसका नियम है, जो हम यहाँ पे ये लिख चुके हैं इसकी थ्योरी। तो चलिए अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति काफ़ी आसान है, वीडियो में बने रहें। देखिए हम ये पहला लिख चुके हैं जिससे कि टाइम बच जाए। देखें माना कोई ओ केंद्र का बंद पृष्ठ है। तो देखिए ये ओ केंद्र का क्या है? बंद पृष्ठ है। तो ये ओ केंद्र है इसका, तो ये एक बंद पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस ओ केंद्र पर क्या रखा? प्लस क्यू आवेश रखा है। अब प्लस क्यू आवेश, देखो पृष्ठ के केंद्र पर क्या है? ओ से आर दूरी पर। पृष्ठ के केंद्र ओ से ये आर दूरी पर, तो ये देखें ये आर दूरी है, ये आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है? पी है। आर बिंदु पर क्या है? एक बिंदु पी है। यहाँ पर क्या है? एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बिंदु पी पर क्या है? एक छोटा गैप डी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से हम इसकी क्या, इसकी हिंदी लिख सकते हैं। ये सारी इसकी हिंदी है कि माना कोई ओ केंद्र का बंद पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। पृष्ठ के केंद्र बिंदु ओ से और दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ एक छोटा गैप डी है, जहाँ एक छोटा गैप क्या है? यहाँ पे डी ए है, जिस पर हमें वैद्युत फ्लक्स फाई का मान ज्ञात करना है। तो ये सब फाई बराबर 1/ε0 इंटू में क्यू, ये हमें सिद्ध करके बताना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब इस डेरिवेशन को सोल्व करते हैं कि डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो यहाँ पर डी ए क्षेत्रफल है, एक छोटा अवयव डी ए है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होगा? तो यहाँ पर डी फाई ई, एक छोटा अवयव तो डी फाई ई लिखेंगे यहाँ पर, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब जैसे ही वेक्टर यहाँ पर हट जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी फाई ई क्या आएगा? डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए क्या आ जाएगा? कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या कोस थीटा आ जाएगा? अगर करें बट परंतु बिनोडेट हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 q/r² ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं ये फॉर्मूला।
तो क्षेत्र की तीव्रता का क्वथनांक है ये, आगे करते हैं इस सवाल को। चलिए अब देखो, जब हम जानते हैं कि ई बराबर इतना, तो यहाँ पे मान फिट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर आ जाएगा। ये मान फिट कर दें यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या आएगा, Q/r² यहाँ से क्या बचा, dA cos थीटा। देखिए इस Q से हम बन की गुणा कर दें तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, D phi E। तो यहाँ से Q से बन की करेंगे, Q e करना Q, और बटे में कौन आएगा, 4π ε₀, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, dA cos थीटा, और बटे में कौन होगी, R² यह है R² ओके। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए क्या होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम समाकलन करने पर, क्या निकालेंगे, समाकलन करने पर। समाकलन कैसा होगा, जो अभी आया उसको समाकलन कर दें, तो एक बंद पृष्ठ है तो इसको कर दें बंद। देखिए एक बंद पृष्ठ है ये, तो इसको हमने बंद कर दिया समाकलन को, तो क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन, बंद पृष्ठ तो बंद करें तो क्या आया था, Q/4π ε₀ क्या था, dA cos थीटा फोन में R² चूँकि हम जानते हैं कि dA cos थीटा बड़ा R² बराबर क्या है, dω, और dω क्या होता है, घन कोण होता है, क्या होता है, घन कोण होता है, ये होता है घन कोण, तो ये क्या होता है, घन कोण होता है। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं, तो इसके डिफरेंस से ये समाकलन हटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d φ e, तो यहाँ पर आ जाएगा φ e, क्या आ जाएगा, φ e, यहाँ पर Q/4π ε₀ कॉमन ले लें, Q/4π ε₀ कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या कर दें, इसे समाकलन से कर दें बाहर, और dA cos थीटा किसकी वैल्यू आई, ओमेगा की, किसकी, dω की, तो ये किसकी वैल्यू है, dω की, ठीक। बट समाकलन देखिए, ये जो dω का समाकलन होता है ये होता 4π, क्या होता है, dω का समाकलन क्या होता, होता 4π dω का। अब देखिए इसका समाकलन कराओ, और dω का समाकलन होता 4π। देखिए dA cos θ/r² बराबर क्या होता है, dω, और dω क्या होता है, घन कोण। तब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल हटा देंगे, तो फाई ई आ जाएगा यहाँ से, ये कोशेंट वैल्यू Q/4π ε₀, कोशेंट वैल्यू इसको बाहर रख लिया हमने, 1/Q/4π ε₀, और समाकलन करें हमें किसका, dω का, परंतु dω का समाकलन क्या होता है, 4π होता है, क्या होता है, 4π। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा Q/4π ε₀, और यहाँ पर dω का मान कितना है, 4π, तो यहाँ पर कितना फिट कर दें, 4π। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, तो आगे देखें क्या होगा। अब देखो 4π से 4π कट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या चाह, φe बराबर आ जाएगा Q/Q/ε₀। अब देखें, और यही हमें सिद्ध करना था, देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि φe बराबर क्या आ जाएगा, 1/ε₀ और गुणा में यहाँ पे लिख लें क्यू, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो Q e करना Q, यही आ जाएगा ना वापस में, तो यहाँ पे छोड़ दो, ये यहाँ पे छोड़ दो, तो यही हमें सिद्ध करना था, यही क्या है, गोश का नियम है। तो एक बार इसकी थ्योरी समझ लें, क्या था, किसी बंद प्रेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें विद्युत आवेश का 1/ε₀ गुना होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε₀ गुना होता है, हमें सीख कर लाना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।